हे टू एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल HOD। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो जिसका टाइटल है पैरा ओलंपिक्स। हम सब ओलंपिक्स के बारे में तो जानते हैं, लेकिन क्या आप पैरा ओलंपिक्स के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए पता करते हैं इस वीडियो में। पैरा ओलंपिक ओलंपिक्स ही होता है, लेकिन पैरा ओलंपिक शारीरिक रूप से विकलांग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट्स के लिए होता है। पैरा ओलंपिक में ऐसे ही खिलाड़ियों द्वारा भाग लिया जाता है। फिजिकल डिसेबिलिटी के अलावा इसमें मोबिलिटी, एम्पुटेशंस, ब्लाइंडनेस एंड कैरेबल पैल्सी भी इंक्लूड है। पैरा ओलंपिक्स गेम को ग्लोबल पैरा ओलंपिक मूवमेंट के हिस्से के रूप में संगठित कॉम्पिटिटिव गेम्स के द्वारा रेफर्स किया जाता है। इन खेलों का ऑर्गेनाइजेशन और रनिंग इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी और अदर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा किया जाता है। अगर बात करें कि पैरा ओलंपिक की शुरुआत कैसे हुई, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए थे। इन्हीं घायल लोगों में जिनमें एक्स सर्विस मेंबर एंड सिविलियंस थे, के लिए स्पोर्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ की ऑफ रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन के बाद गेम्स को एंटरटेनमेंट और इसके बाद कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में कन्वर्ट किया गया। ऐसे ही एक पॉलिटिशियन थे जो कि स्टॉक मेलेविली हॉस्पिटल में थे। लंदन में ओलंपिक गेम्स का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा था, इन्होंने स्टोक मैंडेविली में व्हीलचेयर एथलीट्स के लिए एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट इवेंट का आयोजन किया। दिस वॉज द ओरिजिन ऑफ द स्टोक मैंडेविली गेम, जो कि बाद में पैरा ओलंपिक गेम्स में डेवलप हुआ। अगर बात करें कि पैरा ओलंपिक गेम्स में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसने जीते हैं, तो ट्रिस्टा जॉर्न अब तक की सबसे सफल पैरा ओलंपिक एथलीट्स हैं। इन्होंने कुल मिलाकर 55 मेडल जीते हैं। ये मेडल्स इन्होंने 1908 से 2004 के बीच US के लिए जीते हैं। पैरा ओलंपिक्स में डैम सारा एस्टोरी ने पहला गोल्ड मेडल जीता था। अगर बात करें कि इंडिया की तरफ से पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल की, तो मरियप्पन थंगविलू ने 2016 में रियो पैरा ओलंपिक में मेंस हाई जंप F42 इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।